Good morning, all of you. I hope you all are fine. Now today, I hope so you all take out grammar notebook. Now today, I am going to write some antonyms. Okay? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ग्रामर के कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को ग्रामर की नोटबुक में राइट कराऊंगी जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा. So now today, I am going to write some antonyms. First of all, we all knowing that what is antonyms. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर antonyms होते क्या हैं. Children, a word which is opposites. Okay, एक ऐसा word जो कि उल्टा. मैम, opposites. मैम कौन सी notebook निकालनी है? मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों grammar की notebook ही लेकर खुद से बैठ. ठीक है, तो आप कोई मुझसे नहीं पूछेगा. Topic continue करिए. You all are clear speaker. और मैम जो बोल रही है आप उसको ध्यान से सुनिए. मैं बात कर रही थी एंटोनियम्स की. किसकी बात कर रही थी? एंटोनियम्स. ओके, अब आखिर जाने एंटोनियम्स है क्या? ये है ग्रामर. आप कोई भी मुझसे नहीं मैं बात कर रही थी एंटोनियम्स की. आखिर एंटोनियम्स है क्या? तो व्हाट इज द एंटोनियम? अ वर्ड व्हिच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड इज नोन एज एंटोनियम्स. ओके, कहने का मींस है एक ऐसा वर्ड वहां पर एक वर्ड दिया रहेगा उसके अनदर वर्ड उसका ऑपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे आप तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? डार्क, है ना. ब्लैक कलर की बात करेंगे उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? व्हाइट. ब्यूटीफुल जस्ट ऑपोजिट वर्ड अग्ली. ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऑपोजिट वर्ड्स राइट करवा रही हूँ जो कि आपको लर्न करके रखना है. बिकॉज नाउ टुडे इज सैटरडे. ऑन मंडे मैं आपको इस वर्ड के ऑपोजिट्स विद स्पेलिंग मैं आप लोगों से सुनूंगी. Okay, now you all take out English grammar notebook and match the date and topic and topic. आप सभी लोग English grammar की notebook निकाल लेंगे उसमें date match करेंगे आज का topic and topic पापुला. Okay, speaker को mute रखेंगे जब तक need नहीं होगी तब तक unmute नहीं करेंगे. Okay. अदरवाइज आज जितने एंटोनियम्स मैं राइट करवाने जा रही हूँ वो आप लोगों से कंप्लीट नहीं होगा. आई होप सो कि आप सभी लोग ने ग्रामर की नोटबुक में प्लीज मेक श्योर कि आपको ग्रामर की नोटबुक में करिए ना, क्योंकि मैं एग्जाम में ग्रामर के टॉपिक्स अलग से लेती हूँ तो आप ग्रामर की नोटबुक डायरेक्ट ओपन करके आप ग्रामर के टॉपिक्स देख सकते हैं. ओके, नाउ प्लीज शो मी योर नोटबुक एंड विद माय आंसर एंटोनियम्स जल्दी से. Yes, Abhinav. Very good. Karsh, very good. Good morning, ma'am. Good morning. Jaldi jaldi so kare. Okay, Adarsh. Good morning, ma'am. Okay, Darshita. Okay, Swasti. Good, Aradhya. Adrubi. Very good. Okay, I hope aap sabhi ne mention kar liya. Good. ओके, मैं आपको कुछ वर्ड्स जिसके एंटोनियम्स आप राइट करें क्या करना है. ओके, एंटोनियम्स इसका ऑपोजिट. ओके मैम, क्या करना है? आपको वर्ड को राइट करना है. आप राइट आपको लर्न करना है यहाँ पर आपको वर्ड्स यहाँ राइट करना है और उसके जस्ट ऑपोजिट. मैम एंटोनिम्स, मैम एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? बेटा आप लास्ट में क्या मैं आपको अभी वीडियो सेंड करूंगी तो फिर आप बता दूंगा उसको दोबारा से देख लीजिएगा कि अभी जैसे मैंने आपको बताया एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. एंटोनिम्स क्या है? एक वर्ड होता है बट अनदर वर्ड का ऑपोजिट होता है. व्हाट इज एंटोनिम्स? अ वर्ड व्हिच इज ऑपोजिट इन मीनिंग. ओके, जिसका मीनिंग जो होगा
मैम मेरा हो गया बेटा, बोलना नहीं होता है ऑनलाइन क्लास में, एक ही चीज को बार बार ना बोलना पड़े मुझे, आप लोग अपना करते चले, मैं बार बार एंड करके चालू नहीं डालता तो सॉरी, आई होप सो क्या था दे वर्ड्स राइट हो गए। ओके, अगर आपके बोर्ड में नीचे स्पेस है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज स्पेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैम साइड हो जाइए। हाय, हाय का ऑपोजिट हो जाएगा लो।
मैम के नीचे क्या लिखा है? तो आप न्यू पेज कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर रीड कर दे रही हूँ, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है। मैम ट्रू का ऑपोजिट होता है, मैम पेज के नीचे क्या लिखा है? मैम टिक के नीचे क्या लिखा है? राइट करिए आप रेडर, मैं सभी के मीन्स बताऊंगी आपको। राइट करिए नाउ दिस मैम फैट फैट का अपोजिट क्या है? बेटा मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, जितना है उसको राइट करिए। फैट का अपोजिट आपका थिन है, ध्रुवी कंप्लीट हो गया बेटा? हाउ मेनी वर्ड्स टू राइट इट? Okay, 20 words with their antonyms. Yes. Write it and read out. Jinka ho gaya hai, wo read karenge is word. Okay. Jaldi se write kariye. अच्छा आई होप कि बहुत लोगों का हो गया है। तो फर्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। देखिए फर्स्ट वर्ड मैंने आपको लिखवाया था गुड। सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक में देखेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, कर लीजिए। अच्छा
थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ, जल्दी से कर लीजिए जो कर रहे हैं, जैसे यस हो गए ये सब पढ़ लीजिए। मैम माई कंप्लीट। ओके अब हो गया है। मैम कंप्लीटेड। आई हैव डन मैम। आई हैव कंप्लीटेड मैम। आई हैव डन मैम। आई हैव नो मैम। नो मैम। बोल रही है मैम। ऑनलाइन क्लास बोल दे रही है, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से म्यूट कर दूंगी। भूले गए। आई हैव डन। ओके आई होप कि आप सभी का हो गया होगा। देखिए आ जाइए फर्स्ट वर्ड की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको आज का होमवर्क बता दूं। आज मैंने जितने भी वर्ड एंटोनिम्स राइट करवाए हैं, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके नाउ टुडे इज सैटरडे, ऑन मंडे मैं आपको इस वर्ड के एंटोनिम्स सुनूंगी। ओके क्लियर। अब देखते हैं वर्ड का मींस क्या है और उसका ऑपोजिट्स क्या है। ठीक है तो फर्स्ट वर्ड पे आइए। फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है आपका, गुड। अच्छा है ना, गुड। ऑपोजिट्स क्या हो जाता है, बैड। बैड बैड प्लीज स्पीकर को म्यूट में ही रखें, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब मैं आपसे पूछूंगी तो फिर आप अनम्यूट कर लेना। ओके और मुझे अपनी तरफ से म्यूट ना करना पड़े। O N T प्लीज स्पीकर को म्यूट रखें। ओके नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल। स्मॉल मींस क्या होता है, छोटा, स्मॉल। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिग। ओके बिग मींस बड़ा। ओपन नेक्स्ट वर्ड है आपका ओपन। सभी लोग नोटबुक पे देखेंगे क्योंकि मींस भी आना चाहिए आपको। जब आप सेंटेंस मेकिंग करोगे अदर अदर तो फिर आपको इसका मींस आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड दिया है ओपन। ओपन मींस खुला हुआ। एंड इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज। कहते हैं ना ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर। ओके जस्ट अपोजिट आपको सेंटेंस में लिखनी है। नेक्स्ट ओल्ड। ओल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाता है, न्यू। कहते हैं दिस इज ओल्ड बुक एंड दिस इज न्यू बुक। माय पेरेंट्स परचेज न्यू बुक फॉर मी, लाइक दैट। Next, hot. Hot, the tea is hot, ice cream is cold. Hot ka opposite kya ho gaya, cold. Tall. Tall ka opposite kya ho jayega, short. True. True ka opposite, false. Happy. Happy, happy ka opposite, sad. Slow, slow ka opposite, fast. Tight, tight ka opposite, loose. By, I sell. More ka opposite, less. Dark, dark ka opposite, light. Day, day ka opposite, night. High, high ka opposite, low. Hard, hard ka opposite, soft. Like ka opposite, dislike. Fat ka opposite, thin. Come ka opposite, go. And last, strong ka opposite, weak. Okay? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो प्लीज रिप्लाई करें। देखिए कितने लोगों को लर्न हुआ, ठीक है, बिना देखे करेंगे। ओके गुड का ऑपोजिट बैड। ओपन का Close. Bad.
लोग ऑपोजिट पास टाइप को ऑपोजिट लूज राधा यादव राधा आप किस क्लास में हो स्पीकर को अनम्यूट करके रिप्लाई करें राधा श्री राधे राधे राधा यादव राधा आप कौन सी क्लास में हो बेटा स्पीकर को अनम्यूट करके बोले स्पीकर को अनम्यूट करें स्पीकर को पहले अनम्यूट करो बोलो बेटा पूरी बातें आ रही हैं जिनके घर में इतनी सारी बातें हो रही हैं तो वो लोग तो अपना स्पीकर म्यूट रखें राधा आप कौन सी क्लास में हो बेटा मैं फर्स्ट क्लास में तो ये तो सेकंड क्लास की क्लास चल रही है ना हमारी मम्मी ने हमारी मम्मी ने क्लास चालू करवा दी थी नहीं बेटा ये क्लास सेकंड की क्लास चल रही है आप इससे लेफ्ट हो और ओके नाउ नेक्स्ट बताएं बाय का ऑपोजिट लूज मोर का ऑपोजिट वेरी गुड हाई का ऑपोजिट लो लो हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट का ऑपोजिट डाउन डाउन का स्ट्रॉन्ग का वीक वेरी गुड ओके इसी तरीके से मैं आपको ऑपोजिट मैं जब मंडे को पूछूंगी तो फिर डे के साथ पूछूंगी इसीलिए सब लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे ठीक है मैम आपने क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे ग्रामर के थोड़े से टॉपिक आगे बढ़ जाए उसके बाद फिर हम मैरीगोल्ड में चलेंगे जब तक आप लोग मैरीगोल्ड में अगर कर रहे हो तो ढेर सारी रीडिंग कर लिए कम से कम और 10 से फिर आगे अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे ठीक है तो आज आपका आज का होमवर्क है आज मैंने जितने वर्ड्स के एंटोनियम्स राइट करवाया है उसको आपको क्या करना है अच्छे से लर्न करना है और आपको उसकी स्पेलिंग भी लर्न करना है ओके मैम आज के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बाय मैम